ओके ओके ओके, आप लोग सब शांत हो जाइए। ये किस बात के ऊपर इतना शोर मचाया हुआ है आपने? मैम, आपने बिना किसी नोटिस के जर्नलिज्म, मास मीडिया और बाकी सारे अनएडेड कोर्सेज की फीस बढ़ा दी। क्या हम पूछ सकते हैं क्यों? देखिए, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि आपके कॉलेज को हम अपग्रेड करेंगे। ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड्स होंगे। आपके कॉरिडोर्स में और लॉबी में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होगी। कैंटीन फैसिलिटीज अपग्रेड की जाएगी। आपसे जो पैसे लिए हैं, आपके कंफर्ट के लिए ही यूज होंगे वो। क्या आपने हमसे पूछा कि हमें डिजिटल बोर्ड्स, सेंट्रलाइज्ड एसी, ये सब चाहिए? हम यहाँ पर एजुकेशन के लिए आते, वैकेशन के लिए नहीं। और मैम, ये सारी फैसिलिटीज सिर्फ हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स थोड़ी इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब स्टूडेंट्स भी तो करेंगे ना। तो अगर आपको फीस बढ़ानी है तो सबकी बढ़ाइए ना, हम अकेले क्यों इसका भार उठाएं? बिल्कुल सही बात है, कहाँ इक्वालिटी? देखिए, ये धरना और नारेबाजी, मैं ये सब बिल्कुल एंटरटेन नहीं करूंगी। आप सब हट जाइए इधर से, नहीं तो मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली हूँ। ना तो हम यहाँ से हटेंगे और ना ही हम चुप रहेंगे। मैम, इनके इंटेंशंस गलत नहीं है, ये बस आपके सामने उनकी बात रखना चाहते हैं, दैट्स इट। अरे ठीक है, तो उनको समझाओ और इनकी जो प्रॉब्लम है उनको बोलो रिटन में दे। आई वांट अ रिटन कंप्लेंट। ओके मैम, मैं नहीं समझाता हूँ। क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ, किसके बहकावे में आके ये सब कर रहे हो? देखो सखी, हम किसी के बहकावे में आके नहीं कर रहे, हम हमारे हक के लिए लड़ रहे, सो प्लीज तुम इसमें बीच में मत पड़ो। अरे काम डाउन, एक सेकेंड मैम, आप सबकी बात सुनेंगे और उसे डिस्कशन के लिए कंसिडर भी करेंगे, लेकिन आप लोग प्लीज ऐसे जमा होके प्रोटेस्ट मत कीजिए। अरे हमें किसी चीज से प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए हमारी बात भी ना रखे। अरे बात रखो, लेकिन तरीके से, ऐसे शोर शराबे से नहीं। देखो विवाद, तुम जहाँ से आते हो वहाँ पर शोर शराबा नहीं होता, लेकिन जो लोग ऊंचा सुनते हैं उन्हें धमाके की जरूरत होती है। अरुण, नहीं चलेगी। आप लोग इन सबको अभी के अभी यहाँ से हटाइए, और जो नहीं हटे उनका सस्पेंशन लेटर रेडी रखिए। ना तो हम हटेंगे और ना ही हम चुप रहेंगे। आओ आओ, नहीं चलेगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.